हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज लास्ट डे है दिल्ली में हम सबका। तो हम लोग सुबह उठ के अभी फ्रेश अप हो चुका है और अभी ब्रेकफास्ट खा के थोड़ा इधर उधर जाना होने से जाके शाम को निकल जाएंगे ईटानगर। सो मिलेंगे। हम लोग निकल रहे हैं अभी कुतुब मीनार देखने, उसके बाद सरोजिनी जाएंगे। होटल से निकल रहा है। Corner ticket is 600 rupees per person, and 1995 we can decide, we can take a ticket for dollars. That time was a $1, and Indian ticket was a 5 rupees. Now is 40 rupees, and corner ticket is $8. That is 600. You can start this side. Kutub Minar. This built by Kutubuddin Aibak, 800 years old tower. This one. Kautul Islam Mosque Temple, 900 years inside the temple. Iron pillar, 1600 years old. Alai Darwaza, 700 years old there. Imam Zamin, his graveyard is there, 700 years old. First I can take it. Mera band maro. Gir gaya. चाइना किसको बोल रहे चाइना? दिमाग खराब एकदम, जहाँ भी देखो बोलता है। आओ आओ प्यारा है। वेल, हम लोग किसी गाइड वाला को ले गई थी एंड वो इतना हिस्ट्री बता बता के हमें पका दिया था और हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं था। इसी कारण हम लोग ने उसको रिक्वेस्ट किया, प्लीज़ पूरा हिस्ट्री ना बताए क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है, हमें मार्केट भी जाना है। मार्केट के बाद हमें फिर ईटानगर के लिए निकालना है। सो इसीलिए हम लोग ने उसको बोला कि प्लीज़ पूरा हिस्ट्री ना बताएं, अगर हिस्ट्री को सुनते रहेंगे तो टाइम भी खत्म हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग जस्ट स्पीड स्पीड में सब विजिट करने की कोशिश कर रहे हैं। गॉड विष्णु सपने में आया, बहुत अच्छी इंटरेस्ट है। गॉड विष्णु उसके सपने में आया, उसने उसको बोला अब मेरे लिए मंदिर बना। उसने अंदर बनाया विष्णु टेम्पल, आए बात समझ में, विष्णु टेम्पल। उसके बाद गॉड विष्णु फिर उसके सपने में आया, चार साल के बाद जब मंदिर बना बोला आयरन पिलर लाओ। आयरन पिलर मध्य प्रदेश से लाया। आयरन पिलर का वजन है 6 टन्स, 6000 किलो और वेट हाइट 7। तो ये लेकिन जरूरत है, हम लोग घूम रहे हैं क्योंकि हमारे को समय नहीं है ना, अभी सरोजिनी जाना है। हम लोग को तो एक्चुअली सरोजिनी देख सकता है। मैं स्पीड में दिखा पा रही हूँ सभी को, फिर भी जितना सब कुछ कैप्चर करूँगी। यहाँ पे कुछ बस दिखा सकता है और मैं तो डिटेल ही इसका कुछ नहीं जानती। कुतुब मीनार के ठीक नीचे में तो इतना
यहाँ देखिए बहुत ही मेहनत से बनाया वाला है और मैं सभी को नहीं दिखा पाई, बस कुछ कुछ चीज़ को कैप्चर किया है। आप जब भी दिल्ली आएंगे तो देख लेना कुतुब मीनार। और मैं बस अपनी आंख में कैप्चर कर रही हूँ और वीडियो में। सो देखिए यहाँ पे इतना गरम, क्यों ना मैं एक और बनाऊं। 5 साल जब इसने काम किया, 6ठे साल इसका मौत हो गया। ये अनफिनिश्ड मीनार है, 28 है ये, बहुत ठीक है। उसमें 4 विंडो है, उसमें एक ही विंडो है। आ जाओ आ जाओ, हाँ चलो ओके चलो चलो जल्दी जल्दी। मीनार है ना, इतना मजा ना। फोटो सेशन चल रहा है और इतना इमरजेंसी में हम लोग ने बहुत जल्दी पिक्चर क्लिक और बहुत जल्दी वीडियोस इमरजेंसी बना रहे, क्योंकि हमें आज वापस जाना है और थोड़ा मार्केट भी जाना है। ऑलमोस्ट हो गया, हम लोग घूम लिया है, अभी हम लोग वापस जा रहे हैं। आगे आगे। 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 इधर देखो, ये दादा बहुत हमको गाइड कर रहे हैं। घूम चुका है तो अभी हम लोग बाहर की ओर निकल रहे हैं। फाइनली हम लोग पहुंच चुका है, अभी सरोजिनी नगर पहुंच चुका है। हम सरोजिनी मार्केट में आकर जितना हो सके जल्दी जल्दी चीज़ को देखना कोशिश किया, क्योंकि टाइम बहुत कम थे एक्चुअली। कुतुब मीनार से हम लोग यहाँ आके फिर कुछ सामान देख रहे थे। एक्चुअली मैं तो नहीं खरीद पाई क्योंकि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही थी चीज़ लोग, पूरा सेम और समझ में नहीं आने के कारण मैं ज़्यादा मार्केटिंग नहीं कर पाई। और मैं बस भाभी को मदद कर रही थी और वो दोस्त को, तो साथ में थोड़ा बहुत इधर उधर घूमा। अच्छा एक्सपीरियंस था, बहुत ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस था। और बहुत धक्का धक्की खाया, यहाँ तो बहुत भीड़ है उसके कारण। दिखने का लायक नहीं है, इतना डरावना लग रहा है। दे दो अभी आइसक्रीम खा रहे निकल के। आज सबसे ज्यादा भाभी नहीं है क्या? तो ले लिया है हम लोग और जो लेना था एक्चुअली समझ में नहीं आया, और इतना भीड़ है कि क्या बोले समझ में नहीं आया, बस धक्का खा के निकला है। और अभी आइसक्रीम खा रहे हैं, आइसक्रीम खाने के बाद हम लोग होटल चले जाएंगे, उसके बाद निकल जाएंगे। ठीक है दोनों, मस्ती मनो है ना, मस्ती मनो है ना। नहीं मिली, हम सरोजिनी से वापस जा रहे हैं अभी।
तो होटल जाकर वहाँ पे हम लोग थोड़ा रेस्ट करेंगे और लंच अभी तक नहीं किया है, सुबह से बस ब्रेकफास्ट खा के गई थी। और दिल्ली में आकर पूरा मेरा तो वेट कट गया लग रहा है, हर दिन